हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इन जनरल। आज हम देखेंगे कि बिना साइंटिस्ट बने हम लोग क्लोन कैसे बना सकते हैं सिंपल सॉफ्टवेयर से। अच्छा, तो वीडियो में क्या होने वाला है उसकी झलक आप इस वीडियो से देखिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए हम दो वीडियो शूट करेंगे, एक ऐसी और दूसरी अलग से ऐसी। अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और खोलते हैं सोनी वेगास 14। और जब स्क्रीन ओपन होगी तो अब हम क्या करेंगे, जो भी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं वो हम यहाँ पे फटाफट से इंपोर्ट कर लेंगे। तो जो भी पाथ लोकेशन हमने सेव की है अपनी फाइल्स, उस पाथ लोकेशन से उनको फटाफट इंपोर्ट कर लीजिए। जब वीडियोस इंपोर्ट हो जाएं, उसके बाद हमारे पास ये वाला पेज आ जाता है। इंपोर्ट होने के बाद जो भी वीडियोस हैं उनको नीचे टाइमलाइन पे ले आइए। ये हम नो सिलेक्ट कर लेंगे। सो अब हम दोनों वीडियोज़ को टाइमलाइन के एक ही स्ट्रेच में रख लेंगे आफ्टर ट्रिमिंग बोथ ऑफ देम। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और जहाँ तक हम देख रहे हैं ये दोनों हमारी लाइन में आ गई हैं। इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। ये ट्रिम हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा काम हमें करना है, ऑडियोज जो हैं उनको मिनिमाइज पे ले आना है, बिल्कुल फिनिश, ताकि हमें सुनाई ना दे। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। अब हमें ऊपर वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है और पैन क्रॉप जहां लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। ये एक आइकन बना हुआ है, क्रॉप टाइप का आइकन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको ये वाली जो है विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को ओपन होने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मास्क लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे पेन का। अगर आप फोटोशॉप से अवेयर हैं तो ये फोटोशॉप में काफ़ी यूज़ होता है। इस पेन को आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सिंपल इजी काम, जो वाइट बॉर्डर है उस पर एक बार बुंदी लगा लीजिए। नीचे से एक बार इस चीज़ को आप स्केल आगे करके देख लीजिए ताकि आपको पता चलता है कि जो भी एक्टर पर्सन है वो कहाँ तक वीडियो में कौन सी जगह तक आ रहा है। और जैसे जगह सिलेक्ट कर ली है उसके बाद जो है जहाँ तक वो गया है उसके थोड़ा सा साइड पे आप बुंदी लगाते चले जाइए। ये जो आप पॉइंटर्स लगाते रहेंगे ये लाइन अपने आप खींचती रहेगी। बेस्ट पार्ट इज़ बड़े ध्यान से इसको आप करिएगा और बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप जो है पॉइंटर पॉइंट करते हैं तो लाइन ऑटोमेटिकली बन जाती है आगे तक। और ये वाइट बॉर्डर जहाँ तक आ रहा है यहाँ पर, और ये इसको क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करते ही आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या कर रहे थे एक्चुअली में। जो राइट साइड पे जो आप शेडो में जो जो फिगर्स देख पा रहे हैं वो दूसरी वीडियो की हैं जिसमें हमारा एक्टर दूसरी तरफ से आया हुआ था। ओके, अब फिनिशिंग के लिए जो आपके राइट साइड पे विंडो है ये एक्चुअली हमारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। इसमें आप ध्यान से देख लीजिए कि उसमें कहीं कलर डिफरेंस तो नहीं आ गया। अगर आ गया है तो उसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोथ पे सिलेक्ट करने के बाद आप ओपेक्सिटी बढ़ाते जाइए, वो आपको पता चलेगा कि दोनों साइड को वो मैच करेगा और बीच की कोई भी अगर लाइन शो हो रही होगी तो उसको फेड और डिलीट कर देगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम अपनी वीडियो को रेंडर कर लेंगे अपने भी सजेस्टेड मोड में, फाइल मोड में। एंड हेयर द फिनिशिंग प्रोडक्ट इज़ रेडी, उसको देखते हैं।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. आई विल इमीजिएटली सॉल्व इट और हैप्पी टू हेल्प. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग नॉलेज इन जनरल. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज इन जनरल. गुड बाय.